मान्यवर, आज इस सदन में किसानों को लेकर चर्चा सुबह से हो रही है और ये कितना महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें हर सदस्य बहुत गंभीर है। मान्यवर, अभी 15 दिन पहले ओले, बारिश और कई राज्यों में हुई। इन राज्यों में आज तक लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार, तहसीलदार अभी तक उस नुकसान की भरपाई का आकलन नहीं कर पाए हैं। ये कितनी निराशाजनक बात है, इसका मुझे कष्ट हो रहा है। मान्यवर, अभी जो आपदा आई है इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है और इसलिए नहीं हो सकती है कि जो मुआवजा की राशि है वो राशि इतनी कम है कि किसान जितनी अपनी लागत लगाता खेतों में उससे उसकी पूर्ति किसी कीमत पर भी नहीं हो सकती। और एक नियम है मान्यवर कि 50% या इससे अधिक कोई नुकसान होगा तो किसान को मुआवजा मिलेगा। लेखपाल इतने बदमाश हैं, 50% और 60% के नुकसान को भी ये 40% दिखाने का काम करते हैं और इसलिए कहते हैं कि उस किसान को बेचारे को उसका लाभ ना मिले। मान्यवर, खाद, बीज, बिजली, पानी किसानों को मुहैया नहीं हो रहा है। मिल भी रहा है तो समय से नहीं मिल रहा, मिल भी रहा है तो वो इतना ब्लैक से मिल रहा है कि किसान उसको खरीद नहीं पा रहा है। दाल है, फसल है, ये सब चीजों में धान है, गेहूं है, इनको कोई समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है और बिचौलियों के माध्यम से किसान बर्बाद हो रहा है। मित्रों, एक बैल मर जाए, भैंस मर जाए, मैं एक छोटा सा अपना बीता किस्सा बताना चाहता। मान्यवर, मेरे पिताजी जब पढ़ते थे तो उनके एक भाई थे, दूसरे वो मर गए। मेरे बाबा उतना नहीं रोए, जिस समय जो दो बैल थे उनमें से एक बैल मर गया था, मेरे बाबा उतने रोए थे कि अपने बेटे की मौत पर नहीं रोए थे। ये किसान का दर्द है कि कोई समझ नहीं सकता। मान्यवर, आत्महत्याएं हो रही है बराबर, इसका लेखा जोखा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। आंध्रा में 2014, असम में 305, बिहार में 127, हरियाणा में 374, कर्नाटक में 1403, केरल में 972, मध्य प्रदेश में 1090, महाराष्ट्र में 3145, राजस्थान में 295 और उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे थे, यहां बहुत खड़े होके जो किसानों के बड़े मसीहा बन रहे थे, 750 हत्याएं 2013 में यहां भी हुई। मान्यवर, हमारे मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश ने स्वीकार किया है कि अब तक गन्ना किसानों का गया है, उन मिल मालिकों से अभी तक किसानों का 62.22% केवल उनका भुगतान हो पाया है। मैं एक जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से, किसान की हर चीज उधार क्यों ले जाती है? खाद है, बिजली है, पानी है, ये किसान को उधार क्यों नहीं मिलता? मेरी मांग है कि किसान की कोई चीज उधार न ली जाए, उसको नगद पेमेंट किया जाए। मानो एक चीज और, बड़ी महंगाई की चर्चा होती है, 100 रुपए गेहूं पर बढ़ जाए, 20 रुपए दाल पर बढ़ जाए, 5 रुपए आलू पर बढ़ जाए, 20 रुपए प्याज पर बढ़ जाए, 10 रुपए किसी और पर बढ़ जाए, उसकी देश में इतनी चर्चा होती है। मान्यवर, टीवी, प्रिंट मीडिया इतना चार्ट बनाकर दिखाते हैं, महंगाई, टमाटर 40 था 50 हो गया, गेहूं इतना था 100 रुपए बढ़ गया, प्याज 50 रुपए थी 60 रुपए हो गई। मान्यवर, किसान के पैसे जेब में अगर 2 पैसे चले जाए तो किसी को बर्दाश्त नहीं होता है। और कोई भी कंपनी, कोई गाड़ी कंपनी, कोई ये कह दे कि हमारी गाड़ी कल से 50,000-60,000 के रेट बढ़ जाएंगे, या कोई भी जो उत्पादन कंपनियां कर रही हैं वो ये कह दे कि हमारा सामान 1,000 की जगह कल को 1,200 का मिलेगा, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। विरोध होता है तो केवल किसानों का होता है और किसी का नहीं होता। मान्यवर, मैं किसान हूं,
और किसान की बात सभी लोग कर रहे हैं। समझ में आता है कि हमारे मान्यवर दो मिनट प्लीज दे रहे हैं। हमारे सामने के जितने हमारे विपक्षी दल हैं, ये अगर किसानों पर कोई चर्चा कर रहे हैं तो उस पर हंसी आ रही है। ये बड़े लोग, ये बड़े बड़े राजघराने के लोग किसानों का दर्द क्या जाने के, किसान का दर्द क्या होता है। मान्यवर, मैंने एक बड़े परिवार में एक पेंटिंग देखी, पेंटिंग, और पेंटिंग में क्या था, जमीन सूखी है, जमीन में सूखे की वजह से दरारें पड़ी हैं, किसान बैठा है, कपड़े फटे हैं, उसकी बिवाई फटी है, कपड़े फटे हैं, और सिर पे जो कपड़ा डाले है वो फटा है, गाल पिचके हुए हैं, और उसकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ी हुई है। मित्रों, मैंने देख जी, वो किसान ऐसे देख रहा है सूरज की तरफ, शायद ऐसा लगता है वो कह रहा है कि हे प्रभु, अब सहा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता, मुझे उठा ले। मानव, मैं जानना चाहता हूं उस पेंटिंग की क्या कीमत है जो बड़े बड़े घरों में लग रही है, बड़े बड़े राजघराने में लग रही है। ये किसानों का मजाक है या उस किसान के साथ इनकी सिंपैथी है। अभी सामने से बड़े भाषण हो रहे थे, सभी दल हमारे मान्यवर प्लीज सबको दे रहे, मुझे भी दे दीजिए दो मिनट। वाइंड अप प्लीज, वाइंड अप, कम टू द कंक्लूजन, व्हाट यू वांट टू सर, दो मिनट और दे दीजिए प्लीज, वन मिनट यू टेक। अच्छा, वन दे दीजिए सर, एक वन तो वैसे भी दे देंगे आप, और हम भी बोलेंगे। मान्यवर, भूमि अधिग्रहण को लेके संसद से लेके और माननीय राष्ट्रपति जी के यहां तक सभी दल मार्च किया, जिसके परिवार के लोग जिसका साथ नहीं दे रहे हो उसके साथ सब 14-15 दल इकट्ठे होकर जा रहे हैं। क्यों? जमीन अधिग्रहण में बुराई क्या है? अगर हमारी पार्टी, हमारी सरकार भूमि अधिग्रहण में अगर किसानों को कुछ भला करना चाहती है तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इन्हें नहीं मालूम कि 4 गुना मुआवजा मिलेगा? ये नहीं चाहते कि किसान के बच्चे को नौकरी मिल जाए? ये नहीं चाहते किसान संपन्न हो जाए? ये नहीं चाहते किसान हमारी बराबर मां के बैठे? मित्रों, मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री से एक निवेदन करता हूं, लास्ट में करना चाहता हूं कि किसान की तरक्की करनी है तो मूलभूत आवश्यकता है बिजली, सड़क, सिंचाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वरोजगार। ये 7 चीजें जब किसान को और गांव में मिल जाएंगे मान्यवर, तो किसान की उन्नति हो जाएगी। फसल का बीमा, पशुओं का बीमा, ये सब मिल जाएगा तो निश्चित रूप से किसान की स्थिति अच्छी हो जाएगी। लास्ट बात कहना चाहता हूं, किसान उठेगा तो गांव उठेगा, गांव उठेगा तो पैदावार उठेगी, पैदावार उठेगी तो बाजार उठेगा, बाजार उठेगा तो शक्ति बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी तो क्रैक करने की शक्ति बढ़ेगी, क्रैक करने की शक्ति बढ़ेगी तो उद्योग धंधे लगेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे तो मेरा देश आगे तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।